हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुझे काफ़ी लोग जानते भी होंगे क्योंकि मैं फेसबुक पे बहुत ही एक्टिव रहता हूँ और सामाजिक मुद्दे तो उठाता ही रहता हूँ। लेकिन मैं आज कुछ एक अलग चीज़ लाया हूँ आपके लिए। फेसबुक पे भी आप देख रहे होंगे कि मैं सामाजिक मुद्दे बहुत कम और राजनीतिक मुद्दे भी बहुत ही कम डाल रहा हूँ पोस्ट फेसबुक पे भी। लेकिन आजकल मैं डाल रहा हूँ प्रोडक्ट, ये ले लो वो ले लो प्रोडक्ट। क्या भाई, लोग वाह कह रहे हैं मेरे से, भाई क्या यार फूल सिंह क्या काम करने लग गया, मार्केटिंग काम कर रहा है, क्या बेच रहा है, क्या खरीद रहा है, क्या बेच मतलब क्या बेच रहा है, सॉरी। तो भाई बेच रहे हैं, देखो भाई क्या बेच रहे हैं हम। मैं बेच नहीं रहा हूँ कुछ, बस प्रचार कर रहा हूँ। बेच तो कंपनी रही है और वो मैं प्रचार कर रहा हूँ तो कंपनी मुझे पैसा दे रही है, ठीक है। अब देख सकते हो आप, हीरो हीरोइन है तो लक्स साबुन का प्रचार करते हैं, अपना अमिताभ बच्चन जी है, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, उनका प्रचार करते हैं। तो प्रचार करते हैं और प्रचार करने के बाद क्या करते हैं, पैसा लेते हैं कंपनी से। तो कंपनी क्या उनको पैसा देती है, ठीक है, प्रचार करने का। तो जो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो कंपनी क्या बड़े बड़े फिल्म स्टारों से प्रचार नहीं करवा रही है। वो बोल रही है कि यार मुझे गरीब मध्यम वर्ग जो भी है उनसे ये प्रचार करवाना है और उनको पैसा देना है, ना कि मुझे इन बड़े बड़े फिल्म स्टारों को पैसा देना है। क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी पहले से करोड़पति हैं, तो इनको पैसा क्यों दे फालतू, समझ रहे हो आप। तो इन लोगों को कंपनी कह रही है कि मुझे इन लोगों को पैसा नहीं देना है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है। तो कैसे करना है, इन लोगों के माध्यम से करना है। मतलब उन इस कंपनी के लिए हम लोग स्टार हैं, मतलब हम स्टार हैं, फिल्म स्टार बोल सकते हो आप, क्योंकि हम भी रियल लाइफ के, हमारी ज़िंदगी में स्टार हैं। हमें भी, हम भी एक हीरो हैं किसी फैमिली के, किसी घर के। क्या है कि हम भी एक घर के हमारे हीरो हैं, तो हम हीरो बने रहें तो कंपनी भी कह रही है आप हमारे हीरो हो और हमारे इस प्रोडक्ट का प्रचार करो और इससे आप पैसा कमाओ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जिसमें कि आपको काफ़ी शानदार अच्छे प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। मैं काफ़ी प्रोडक्ट को डाल भी चुका हूँ और मैं अभी और डालूँगा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो है जो कि मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ सामने आके, क्योंकि मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगी और इसमें काफ़ी अच्छा पैसा भी है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट लगे इसके, ठीक है, और कंपनियों की अपेक्षा, ठीक है। तो ये आपको सबसे अच्छी बात है, कंपनी दे रही है 30 दिन की मनी बैक गारंटी। अगर आपको इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप 30 दिन के अंदर इसको यूज़ करके देखिए, अगर आपने 25% भी यूज़ कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी आपको रिफंड कर देगी पैसा। आप इसको यूज़ करके देखिए, टेस्ट करके देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है और 25% आपने यूज़ भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए दुकान पे जहाँ से आपने सामान लिया, क्योंकि इसकी जो भी शॉपी है, तो वहाँ शॉपी वाले से बोलिए कि सर हमें आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा और हमें आपका प्रोडक्ट रिटर्न करने आए हैं। तो इसका जो ओनर है, CMD है, मिस्टर संतोष सिंह, वो खुद बोलते हैं, अभी यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, तो वो खुद बोलते हैं कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं जचा, नहीं सेटिस्फाई हुए, तो मैं आपको 100% मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट को रिटर्न कर दीजिए और आपके पैसे ले लीजिए, ठीक है। तो भाई इतनी अच्छी मनी बैक गारंटी कौन दे रहा है, आपके पड़ोस वाला दुकान वाला कोई दे रहा है ऐसा? अगर आपके पड़ोस में से कोई, अगर आप सामान ले आओ घर पे, अगर आप कोई साबुन लिया है या कोई भी पैकेट लिया है खाने पीने का, कुरकुरे या चिप्स, तो अगर आपने उसको थोड़ा सा फाड़ के देखा और आपने कुछ नहीं किया, बस फाड़ के और फिर उसको उसके पास ले जाइए, क्या वो उससे बोलिए कि सर ये चेंज कर लो भैया, इसको चेंज कर लो और हमारे पैसे दो, हमें नहीं लेना प्रोडक्ट? बोले क्यों? तो वो देखेगा इसे तो, ये तो फटा हुआ है, तो वो उसको चेंज नहीं करेगा। बोले क्या, मुझे नहीं लेना है, मतलब कि मैं नहीं करूँगा चेंज, आपने इसको फाड़ दिया है तो अभी ये बिकेगा नहीं, ठीक है, तो वो इस करके नहीं लेगा ऐसे करके। तो ये कंपनी कह रही है आप चाहे जो भी हो, 25% अगर आपने यूज़ भी कर लिया तो मुझे दो और ये आपको मनी बैक गारंटी दे रही है, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट इस हिसाब से बोल सकते हैं काफ़ी शानदार है, इनको खुद को भरोसा है, ठीक है। और आप जब इस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखोगे, इन प्रोडक्टों को, हल्दी, दाल, चावल, चीनी, शक्कर, आटा, ठीक है, तो ये चीज़ें घर में राशन पानी वैसे भी यूज़ होता ही है, ग्रोसरी का ऑल सामान, ग्रोसरी के साथ साथ इसमें आपको मिठाइयाँ मिल जाएंगी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आप इस पर देख सकते हो, ठीक है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, आजकल तो हमारा ये भी आ गया गोलगप्पे, ठीक है, तो ये गोलगप्पे भी आप ले सकते हो, जो कि बाहर से आप किसी भी ठेले वाले से खाते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ठेले वाले, हर ठेले वाला मतलब अच्छे से नहीं बनाता है, ठीक है, हर जगह से, बहुत सी जगह ऐसी हैं भाई जहाँ अच्छे से नहीं बनाते हैं ठेले वाले टिक्की, पान जो पानी पूरी वाले होते हैं,
ठीक है, कहीं कहीं टिकिया बोलते हैं, कहीं कहीं पानी पूरी बोलते हैं, ठीक है। तो हर जगह और हर अच्छी जगह पे आपको ठेला लगने को नहीं मिलेगा, कहीं नाली के पास में लगा है, यहाँ पे मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, गंदगी है, और वहीं पे हम पानी पूरी खा रहे हैं और वही मक्खियाँ उसमें घुल मिल रही हैं, मतलब वायरस जा रहा है, कीटाणु जा रहा है। तो इससे अच्छा कि आप घर पे ये ऐसे हमारी कंपनी HHI का गोलगप्पे लो और उसको घर पे खाओ, तो फैमिली के साथ खाओ, 50 पीस आते हैं इसमें, काफ़ी अच्छा शानदार प्रोडक्ट है। और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, इसके चप्पल हैं, इसके टी शर्ट है, इसका हमारा ब्लेज़र भी है, कपड़े भी आ रहे हैं आजकल, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, अगर आप इसमें काम करते हो तो काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं बात करूँ इसमें, अगर अगर आप 2500 रुपये की ख़रीदारी करते हो पर मंथ, अगर इस कंपनी में, देखो आटा दाल चावल चीनी शक्कर चाय पत्ती हम कहीं ना कहीं से यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है। और हमारे घर में मसाला लगता ही है, मिर्ची लगती है, धनिया लगता ही है, दाल लगती है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो नहीं लगता है? और ये भाई शुद्ध दे रहा है आपको, आपको गारंटी दे रहा है, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है 100% कोई गारंटी दे रहा होगा, ठीक है। तो आपको इसमें लेने में दिक्कत क्या है, एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। हमें बस ट्राई करना है, चेक करना है, हमें अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हमें खुद को यूज़ करना है, इसके बाद हमें किसी और को इसको बारे में बताना है, ठीक है। अब हमारे एरिया में अगर कोई भी देख लो आप, मान लो कोई समोसे वाला हुआ, पानी पूरी वाला हुआ, ठीक है, जो कि अच्छी बनाता है पानी पूरी, ठीक है, साफ़ सुथरी, हमारा कोई जलेबी वाला हुआ, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, उससे जलेबी ली, ठीक है, और जलेबी लेके हमने खाई तो हमें अच्छी लगी, ठीक है, हम थोड़ा सा घर पे ले गए, और घर ले जाने के बाद हमने फिर घर वालों को बताया कि उसकी जलेबी मैं वहाँ से लाया हूँ हरियाणा वाले से, वो काफ़ी अच्छी जलेबी बनाता है, साफ़ सुथरी, और अच्छा प्रोडक्ट है उसका, मतलब जलेबी अच्छा है उसका और बड़ा टेस्टी है। तो हमने घर वालों को बताई, घर में भैया को बताई, पापा को बताई, चाचा को, ताऊ को बताई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम भी बाजार जाएंगे तो हम भी उसके पास से ले आएंगे। तो भैया गए तो उन्होंने भी वहाँ पे जाके जलेबी ली, ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने किसी और को बताया, तो उनके फ्रेंड लोगों को बताया, तो उनके फ्रेंड लोगों ने, अच्छा ऐसी बात है हम भी लाएंगे उधर से, मतलब धीरे धीरे करके काफ़ी लोगों को बता दिया, मतलब इस टाइप से वो एक नेटवर्क बन गया। तो यही होती है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो नेटवर्क बन गया एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। अब इसमें कोई चैन वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये नेटवर्क कैसे बना? अपने आप बना, लेकिन ये नेटवर्क तो बन गया, लेकिन इस नेटवर्क से फ़ायदा किसको हुआ? ओनली जलेबी वाले को, हमें फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। जिसने जलेबी लाया था वो बंदा, जिसने उसको बताया था घर वालों को, उनको सबको, फ़ायदा किसको हुआ? ओनली जलेबी वाले को, ठीक है। उसकी दुकानदारी चल गई, अच्छे से चल गई, लेकिन फ़ायदा हमें नहीं हुआ। इसमें क्या है, आप सेम एज इट इज़ ऐसे ही काम करना है, हमें प्रोडक्ट कंपनी का लेना है HHI का, ठीक है, और यूज़ करने के बाद हमें बताना है लोगों को कि भाई मैं यहाँ से जो हल्दी मिर्च मसाला धनिया पाउडर तेल पानी साबुन जो भी राशन पानी लेता हूँ, यहाँ का प्रोडक्ट अच्छा है, और यहाँ के रसगुल्ले, यहाँ की मिठाइयाँ काफ़ी अच्छे हैं, आप भी लो और खाओ और फैमिली को दो, और हेल्दी हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, शुद्ध हैं, और गारंटी है, प्योर गारंटी है, सर्टिफिकेट है इनके पास, सब कुछ है। तो आपने बस इसका प्रचार कर दिया इस टाइप से, ठीक है। आपने ये प्रचार किया ना, अब इससे क्या होगा, वो बंदा बोलेगा ठीक है मैं भी देखता हूँ कैसा है, मतलब तुम इतना श्योर बोल रहे हो, इतना सब कुछ बोल रहे हो, तो फिर वो भी लेगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रचार होगा। तो उसका क्या, आप ID क्रिएट कर दीजिए, ठीक है, ID पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए और उसको सामान दिलवा दीजिए, ID एक्टिव करवा दीजिए, ठीक है। उससे उससे क्या होगा, आपको फिर पैसा मिलेगा, ऐसे फिर वो कंपनी आपको पैसा देगी, ठीक है। तो जब जब वो ख़रीदारी करेगा उससे भी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें भैया ये बताइए, चैन सिस्टम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस हमने बताया, जैसे हमने जलेबी का प्रचार किया था, हमने जैसे हमने HHI कंपनी का प्रचार कर दिया, जैसे प्रोडक्ट का प्रचार कर दिया, और वो भी एज इट इज़ खाने पीने वाली चीज़ें, और खाने पीने वाली चीज़ों से हमें पैसा मिल रहा है, हम जितना प्रचार करेंगे उतना पैसा, ठीक है, जितना प्रचार करेंगे उतना ही पैसा, जितने हमारे प्रचार से हमारे साथ में बंदे आएंगे, हमारे से राशन पानी खरीदेंगे हमारे थ्रू, तो हमें उतना ही पैसा मिलेगा। इसमें आपको बस ये है कि लेफ्ट और राइट, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस के तहत हमें बंदे को बताना है, एक लेफ्ट में जोड़ दो, एक राइट में जोड़ दो, बंदा जोड़ने मतलब एक लेफ्ट वाले को बता दिया, एक राइट वाले को बता, मतलब एक लेफ्ट में ID क्रिएट कर दो, एक राइट में ID क्रिएट कर दो। आज का डिजिटल ज़माना है तो डिजिटल तरीके से हम लोगों को प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, वो भी तो प्रचार करके पैसा कमा रहे हैं। अब आपको मैं बताऊँ, अजय देवगन, ये देखो यहाँ पे स्लाइड्स में, फ़ोटो में, ठीक है, अजय देवगन जैसे लोग, और आजकल तो शाहरुख खान भी आ गए उनके साथ में, मैं हालांकि इनका बुरा नहीं बोल रहा हूँ,
ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंपनी ख़राब है या अजय देवगन ख़राब, मतलब जब ये विमल जैसी पान मसाला गुटखे का प्रचार करके पैसा कमा सकते हैं जो कि एक गंदी चीज़ है, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा, ये तो विमल तो गंदी चीज़ है, मतलब इन लोगों को नहीं बोल रहा ये गंदे हैं, अब वो ये जाने भाई, मैं ऐसा नहीं बोल सकता इनके बारे में, ठीक है। तो जब ये लोग विमल जैसी गंदी चीज़ गुटखे का प्रचार करके पैसा कमा सकते हैं, तो हम तो अच्छी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, तो हम पैसा क्यों नहीं कमा सकते? दिक्कत क्या है हमें पैसा कमाने में? ठीक है, तो हम भी अच्छी चीज़ का प्रचार करके अगर पैसा कमा रहे हैं, तो क्या बुरी क्या बात है? जब ये फिल्म स्टार लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग अच्छी चीज़ों का, बुरी चीज़ों का प्रचार कर करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो हम तो अच्छी चीज़ है जो कि सर्टिफाइड है और गारंटी दे रही है कंपनी, और खाने पीने की चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, क्वालिटी वाली चीज़ें हैं, तो इनका प्रचार कर रहे हैं, तो बुरी बात क्या है भाई? ये नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, जो कि 25 साल पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग थी, आज से 20 से 25 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग और आज की नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी अंतर है। तो मैं कहता हूँ इस कंपनी को आप ज्वाइन करो, मेरे साथ काम करो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मुझसे बात करो, मैं इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा आपको, आपको जो भी और अधिक जानकारी चाहिए, बेसिक जानकारी चाहिए, मुझे कॉल करके बात कर सकते हो। देखो भाई, आज के टाइम पे लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, तो हम कंपनी ने सोचा कि रोज़गार, देखो ये कंपनी आपको एक तरफ से रोज़गार भी दे रही है, अगर आप इसमें ऐसा काम कर सकते हो कि अगर हमें डायरेक्ट सेल करना है तो आप घर घर जाके लोगों को सेल कर सकते हो, बता सकते हो, इसमें मेडिसिन भी है, आप डॉक्टरों से मिल सकते हो, डॉक्टरों को बता सकते हो खांसी की दवाई है, इसमें लीवर की दवाई है, आपको इसमें किडनी की दवाई है, मोटापे की दवाई है, मोटापा कैसे कम करें, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम अगर चाहें तो काम कर सकते हैं, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, खेती बाड़ी से संबंधित, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इनका, 100% रिजल्ट अच्छा आ रहा है इनका, तो आप इस पे पर्टिकुलर इस पे काम कर सकते हो। और एक ही प्रोडक्ट पे काम करना है तो बेट कैल्शियम है जो गाय भैंसों के लिए हड्डी मजबूत करता है, ठीक है, हम तो वैसे इलाज करवा ही लेते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, और इलाज करवा लेते हैं, इसके बाद भी अगर हमें हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, एनर्जी बनाना है, तो हम क्या ग्लूकोन डी वगैरह कुछ बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, फल फ्रूट खा लेते हैं, लेकिन गाय भैंसों से तो बस बीमार होंगी, तब उनको इंजेक्शन लगवाया, डॉक्टर को दिखाया, बस इलाज हो गया, इसके बाद उनको क्या भूसा ही तो खिला रहे हैं, या फिर उनको खल खिलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या खिलाओगे आप? इसके बाद उनकी भी हड्डियाँ होती है ना, उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उनको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो एक बेट कैल्शियम है ना, उसमें काम करता है, उनका दूध दूध भी बढ़ाएगा, उनकी हड्डियाँ मजबूत करेगा, और उनकी जो भी बीमारियाँ होंगी वो रिमूव करेगा, तो इस बेट कैल्शियम पर भी आप काम कर सकते हो, ये भी काफ़ी शानदार है। आप गाँव गाँव जाके दूध वालों को देख सकते हो, जो दूध देने जाते हैं दूध डेयरियों पर, उनको दे सकते हो, गाय भैंस वालों को देख सकते हो, तो इससे भी आप काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हो, आप इससे आराम से 10 से 20 हज़ार रुपये मंथली कमा सकते हो, अगर एक ही प्रोडक्ट पे काम करोगे तो। और अगर आप सभी प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हो तो मेरी तरह, तो सभी प्रोडक्ट पे भी काम कर सकते हो, और इसमें आप जितना काम करोगे उतना पैसा, मैं ये नहीं कहता कि आप एक दिन में लखपति बन जाओगे, एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, भाई एक दिन में लखपति करोड़पति कोई नहीं बना सकता है, आपको कोई भी काम होता है भाई धीरे धीरे स्लोली स्लोली करना होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको बिजनेस प्लान HHI का समझना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, अभी मैं इस वीडियो में बस आपको इस मोटा मोटा जानकारी दिखाया हूँ, तो मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। और आपको एक और ख़ास चीज़ बताऊँ, इसमें क्या चीज़ मिलेगी, अगर आप महीने भर में 2500 का राशन खरीदते हो तो अगले महीने आपको 400 रुपये का फ्री राशन मिलेगा, जो कि फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, कुछ कुछ नहीं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि फ्री मिल जाएंगे आपको, और 100 से लेके 150 रुपये कैशबैक भी मिलता है। अगर आप 5 हज़ार का राशन खरीदते हो महीने भर में, आटा दाल चावल चीनी शक्कर जो भी है आपके घर में लगता है, तेल मसाला मिर्ची, ठीक है, तो आपको अगर 5 हज़ार पर मंथ, अगर आप 5 हज़ार एक महीने में सामान लिया आपने 5 हज़ार, तो 800 रुपये का सामान आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। इस प्रकार से पूरा लिस्ट आप देख सकते हो, मैं इसमें फ़ोटो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप इसमें 1,000 बिजनेस वॉल्यूम पे शॉपिंग करते हो, मतलब ये 1,000 बिजनेस वॉल्यूम आपके लगभग 3,500 रुपये या 4,000 के लगभग हो जाती है महीने में, अगर कंटिन्यू आप 4 महीने तक 1,000 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग करते हो, तो अगले आपको 5वें महीने में 1,000 का फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। अभी तक मैं 1,600 रुपये का फ्री प्रोडक्ट ले चुका हूँ, और अभी मुझे इस पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ओनली मैं रीपर्चेसिंग कर रहा हूँ खुद सेल्फ, मतलब हम इसमें अगर सेल्फ भी रीपर्चेसिंग करेंगे ना, तो हमें सेल्फ का भी पैसा मिलता है, और हम किसी और को भी इसमें रीपर्चेसिंग करवाएंगे, ख़रीदारी करवाएंगे, उससे भी पैसा मिलता है,
और उसमें हमें बचत भी है, पैसा भी है, काफ़ी शानदार चीज़ है। और ये पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कितना टाइम है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो है बनाने का पर्पज़ था वो समझ में आया होगा। और आप नेटवर्क मार्केटिंग HHI जो कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, क्योंकि नया बिज़नेस है, काफ़ी शानदार बिज़नेस है, उसको आप ज्वाइन करें, मेरे साथ काम करें, और जहाँ भी प्रॉब्लम लगती है मैं आपके साथ हूँ। और आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगली वीडियो में शायद मेरे जो अपलाइन है मोहर सिंह सर, वो आपको बिज़नेस प्लान समझाएंगे पूरा। और मैंने इस वीडियो इसी चैनल पे अपनी टाइम अपनी टीम HHI में भी इंट्रो वीडियो डाला है। इस इंट्रो वीडियो के बाद एक और वीडियो डाला है, उसमें थोड़ा थोड़ा समझाया है। और इसमें अब ज्वाइनिंग कैसे लेते हैं, ज्वाइनिंग तो इसमें देखो फ्री है एकदम। इसका KYC करना पड़ेगा, फिर हमें कुछ प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे इसके, जो कि हमें प्रोडक्ट लेके ID को एक्टिव कराना पड़ेगा। तो ID एक्टिव कैसे करते हैं सब कुछ, वो मैं आपको आपको अगली वीडियो में बताऊँगा।